पहाड़ मंदिर जो है बहुत अच्छा है, एक धार्मिक स्थल है और बहुत शांति यहाँ मिलते हैं। एक व्यक्ति से आग्रह है कि एक बार यहाँ जरूर आए और भगवान हनुमान जी के दर्शन करें, यहाँ से रायगढ़ के प्राकृतिक नजारा देखें और दो मिनट शांति से यहाँ बैठ के आनंदित हो। हेलो दोस्तों, पहला ब्लॉग है मेरा ये ट्रैवलिंग के ऊपर, तो अभी स्टार्टिंग हुआ है चढ़ना, थोड़ा ही दूर चढ़ा हूँ अभी और अभी तो बहुत ऊपर जाना है। आप जब भी आएँ नारियल लेना ना भूलें। तो आप जानते हैं कि जो पहाड़ मंदिर की इलाका है पूरा ग्रीनरी से भरा हुआ है, हरा भरा है। यार यहाँ पैसा है ना, ऐसा गंदगी ना किया करें, है ना। जो पूरा पैकेट्स, बिस्किट के पैकेट्स, चिप्स, लेज, जो भी होते हैं खाने का, तो खाने का आप खाएं। खाने के बाद जो पैकेट्स होते हैं उन पैकेट्स को ऐसे आपको फेंकना नहीं है। वातावरण गंदा होता है यार उससे, देख रहे हो, अलग अलग तरीके के कोई कॉस्मेटिक का वहाँ फेंका है, तेल का झिल्ली है कुछ, है ना। किसी ने अपने यहाँ पे मास्क छोड़ के गया है, देखो। तो ऐसा गंदगी ना फैलाएं यार, अपना रायगढ़ है यार, साफ़ सुथरा रखोगे तो साफ रहेगा, अगर गंदगी करते हुए चलोगे तो गंदा रहेगा। मैं लगभग टॉप तक पहुंच ही गया हूं, ज़्यादा सीढ़ियां नहीं बची हैं, बस लगभग पहुंच ही गया हूं मैं। और यहां से क्या तो नज़ारा दिख रहा है, देखो, बिल्कुल रायगढ़। अभी थोड़ा सा मौसम साफ है करके अच्छा दिख रहा है, तो चलिए ऊपर चलते हैं। राम राम महाराज। जय श्री राम। तो यहाँ कुछ दिन पहले रोड बने के आए रही से, मतलब न्यूज़ में पढ़े रहे कि न्यूज़ से बना रोड बन ही करके, तो उसके बारे में कुछ बता दी है। तो मंदिर निर्माण जो है 1980 में हुई से लगभग 40 वर्ष हो गई से लग, और 40 वर्ष में मंदिर हर जीर्ण अवस्था में पहुँची से। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि निर्माण सामग्री 500 सीढ़ी और 700 फीट ऊपर लाना बहुत दुष्कर है। साथ ही साथ आज पहाड़ मंदिर रायगढ़ शहर के साथ साथ आसपास के कई जगह के मन जानते और आते हैं यहाँ, तो जो सक्षम है, जो युवा वर्ग है, वो तो यहाँ चढ़ जाते हैं, लेकिन जो वृद्ध है और दिव्यांग जन है वहाँ चढ़ नहीं पाए। और यहाँ से रायगढ़ के सौंदर्य के, हनुमान जी के दर्शन नहीं कर पाए, रायगढ़ के सौंदर्य के नज़ारा नहीं देख पाए। ये सब लोग देखते हुए पहाड़ मंदिर सेवक जो हैं कलेक्टर से आवेदन करें कि वहाँ हमको पूर्व में जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का आधा रोड था उसको खोल के पहाड़ मंदिर तक रोड बनाया जाए। तो कलेक्टर महोदय जी ये विषय में ध्यान दें और फॉरेस्ट विभाग ला बोलिन कि आप सर्वे करके हमको बताओ। फॉरेस्ट विभाग द्वारा सर्वे किया गया है, कौवाकुंडा बस्ती से घुमा के और पहाड़ मंदिर के ऊपर रोड लाए के प्रोजेक्ट बनाई से 1.5 किलोमीटर लंबाई रोड के नापा गए हैं और 1.5 करोड़ आसपास बजट बना के अब जो है उच्च अधिकारी लोगों में सौंपी, और बाद आगे उच्च अधिकारी बन के इच्छा जैसे ओमन रोड बनाई थी। हाँ। तो पहले के रोड है जैसे इति है, स्टार्टिंग है हमन के पहाड़ मंदिर के चढ़े का रास्ता है। तो एक वेतले से पीछू पीछू कर करके दी चढ़ी का देवा पीछू को इतले पहली रोड जो है। हाँ। आगे में रहीस। हाँ। उसके बाद अब फॉरेस्ट विभाग के अनुसार सीढ़ी के किनारे किनारे लेके जाना है और ऊपर लाना है, ऐसे प्रोजेक्ट बने। अच्छा, का है बहुत झल्ला डाउट रही इसकी लोइंग को इतने चढ़ी, मतलब इतने चढ़ी पहाड़ के पीछे। पहाड़ मंदिर के सामने जो कौवाकुंडा बस्ती वहाँ से, और पहाड़ मंदिर के सेवक जो है वो तो प्रयासरत है, बाकी रायगढ़ की जनता से भी निवेदन है कि हमें यथाशक्ति सहयोग करें। शासन के ऊपर भी उम्मीद है कि शासन ये बात का ध्यान रखे और यहाँ रोड की व्यवस्था करे। तो जैसे कि महाराज हमन जानते हैं पहाड़ ला गजमार पहाड़ कहते हैं, तो एकर का कहानी हुई कुछ
कछवाहार पहाड़ तो कई जन बोलते हैं कि राजा चक्रधर सिंह के जो महावत रहीन ओमन नीचे बाल समुद्र है तो वहाँ हाथी धोए आए, तो वहाँ एक बार एक हाथी ट्रेन में कट के मर गई। अच्छा। नाम से गजमार पहाड़ रखा गई से। अच्छा। कई जन कहते हैं कि यहाँ बहुत ज्यादा बिजली गिरे जब मंदिर बनी तो गजमार पहाड़ रखा गई से। अच्छा, तो अलग अलग कहानी है। अच्छा, तो अब जैसे हमने देखा था ना, मेरा वो शिव भगवान के अब मंदिर बना थे नया है ना, शिव भगवान के चौरा बन गया हवा, तो इमर शिव भगवान ले स्थापित करी कि... हाँ, जो 40 वर्ष पहले जो शिव मंदिर निर्माण हो रही है, उस जर्जर अवस्था में पहुँच के छत गिरा। हाँ हाँ हाँ, जो जो दे शिव भगवान के है शिवलिंग के ऊपर में जो अभी इमरठा रही पूरा बोला, अब नया मंदिर निर्माण करके वहाँ से शिव जी के सारे सब परिवार समेत यहाँ स्थापित की जाएगी। अच्छा, सावन महीना में। अच्छा, ईदारी के सावन महीना में हो जाए, बढ़िया है। मतलब एक प्रकार से देखो तो बहुत ज़्यादा बढ़िया डेवलपमेंट होता हुआ है 2-3 साल में। हाँ, मैंने मंदिर सेवक मन यथाशक्ति बहुत सारा निर्माण कार्य वगैरह करी है, पर सबसे जो जरूरी है सामग्री चढ़ाना, ईटा गिट्टी बालू बहुत। हाँ, हाँ, अगर ये सुविधा हो जाए रोड के तो यह रायगढ़ के एक बहुत अच्छा पर्यटक स्थल बन जाए। जैसे कि मैं देखा था आने वाला, मतलब पिछले 5 साल में एक सीढ़ी के छैया हो गए। हाँ। मंदिर के वाला मंदिर निर्माण हो गए। हाँ। और यहू मंदिर अब बना था वह है, तो रोड के एक नया आ गए। हाँ। तो मतलब 3-4 नया चीज यहाँ हम मतलब देखे बा मिल गई से। 2014 के बाद सीढ़ी में रेलिंग लगना, सीढ़ी में छत के लगाना, निर्माण होना, धूप और बरसात में भक्त मन के बचाव, और ये जो नया शिव मंदिर निर्माण सब, और ये सब कुर्सी लगना, ये सब सौंदर्य जो है 2014 पहाड़ मंदिर जो है बहुत अच्छा है, एक धार्मिक स्थल और बहुत शांति यहाँ मिलते। एक व्यक्ति से आग्रह है कि एक बार यहाँ जरूर आए और भगवान हनुमान जी के दर्शन करे, यहाँ से रायगढ़ के प्राकृतिक नजारा देखे और 2 मिनट शांति से यहाँ बैठ के आनंदित हो। हाँ, मैंने पहाड़ मंदिर के अलावा कहीं भी कोई भी व्यक्ति ला किसी भी प्रकार से प्लास्टिक या कचरा यूज करे के बाद या तो डस्टबिन में डालना चाहिए या तो उचित स्थान में रखना चाहिए। इधर उधर फेंक देने से वातावरण भी खराब दिखते हैं और जगह भी खराब। हाँ, मैं खुद अभी चढ़ाता आया तो देखा आया कि ये वन इतनी होती बगल अगल में कोनो मास्क फेंकते है, कोनो झिल्ली, कोनो कुछ की बहुत सारा मैंने दिक्कत होती है। कोई भी कुछ भी खान पीन के सामान लाइन या प्लास्टिक वगैरह जो जहाँ पाते वहाँ फेंक देते। अपन हिसाब ले जावा या तो डस्टबिन में डाले, डस्टबिन में डाल दे या तो फिर अपन साथ लेके उचित स्थान में रखे तो ज्यादा अच्छा रहे। ठीक है महाराज, लेवा महाराज तो फिर विदा देवा। जय श्री राम, जय श्री राम। पहाड़ मंदिर के पुजारी हैं, उनको आप अभी सुन रहे थे। आपने देखा उन्होंने कितना अच्छा संदेश दिया, जो मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था उसकी उन्होंने पुष्टि भी की, तारीफ भी की। और मैं यही कहना चाहूँगा कि यार पहाड़ मंदिर आओ, बढ़िया से दर्शन करो भगवान के, और कचरा थोड़ा गंदगी यहाँ कम फैलाओ, कचरा कम फेंको। देखें कितना अच्छा व्यू है, बहुत लोग इसमें आगे जाने की कोशिश करते हैं, बेशक आप जाइए, लेकिन हाँ जो जरूरी गियर्स होते हैं जैसे जूते लाठी है ना, क्योंकि यहाँ बहुत से सरेसरी पाए जाते हैं, आप भी जानते हैं। पहाड़ मंदिर का जो ये आगे का जो पहाड़ है, बहुत सारे अलग अलग तरह के सांप यहाँ मिलते हैं, जहरीले सांप होते हैं, तो जब भी आप यहाँ आएँ तो यहाँ ज़रूर घूमने आएँ। तो इसी के साथ साथ मेरे उतरने का भी वक्त हो गया है, और एक और चीज़ आपके लिए है, रायगढ़ सिटी जो पेज है उसमें एडवर्टाइजमेंट चालू हो गया है। अगर आपको किसी भी तरह का एडवर्टाइजमेंट कराना है, आपको किसी भी तरह का शॉप है रायगढ़ में, चाहे वो किसी प्रोडक्ट का हो, चाहे किसी सर्विस का हो, चाहे आप कोई रेस्टोरेंट खोले हैं, या फिर आपका किसी भी तरह का दुकान है, फिटनेस का दुकान है, या फिर कोई भी प्रोडक्ट आप बेचते हैं, तो आप मेरे को ज़रूर कॉन्टेक्ट करें, मेरा नंबर ये है। इसमें आप चाहे मुझे व्हाट्सएप करें या फिर मुझे कॉल करें या फिर मैसेज ही करें, आपको जैसा भी अपना विज्ञापन देना हो मेरे पेज में तो आप संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम। इन सीढ़ियों में चढ़ना जितना मुश्किल है, उतरना से ज़्यादा ही मुश्किल है, मेरे पैर कांपने लगे हैं। उम्मीद करता हूँ कि जल्दी उतर जाऊँ, क्योंकि बहुत दुख रहा है पैर, अब मेरा चढ़ते ही चढ़ते हालत ख़राब हो गया था, उतरने में तो ज़्यादा हालत ख़राब हो रहे हैं। चलो ठीक है, मिलते हैं आपको नीचे। अब
आखिरकार नीचे तक मैं आ ही गया। अब कुछ सीढ़ियाँ बची हैं, पैर तो पूरा हालत ख़राब हो गए हैं, कहाँ पर है पैर बेचारा। चलिए करते हैं।